ये है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री एंड ये है इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री के अंदर क्लॉक टावर, वो ही फ्री फायर वाला। एंड यहाँ पर फ्री फायर का कैरेक्टर भी है, लीजेंड कैरेक्टर आलोक। एंड वेट गाइस, यहाँ पर ये कैरेक्टर भी है। ओके गाइस, सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो भी फ्री फायर लवर्स है उनको तो मजा आने वाला है। तो इंडियन बाइक ड्राइव थ्री के अंदर आज हम फ्री फायर खेलेंगे, एक टाइप से सारे कैरेक्टर्स वगैरह देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, 2000 लाइक्स का एम है, सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, सो यहाँ पर अभी मैं घर के अंदर आ चुका हूँ एंड आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हम चीज करने वाले, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं करी गई लिटरली। तो गाइस सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पर कार्स वगैरह चूज करनी होगी उसके लिए। तो यहाँ पर गाइस अपने पास गाड़ियों का कलेक्शन एक बार मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर देख सो फॉर्च्यूनर है, थार है, जीटी, वेट ये कौन सी है, फरारी, यहाँ पर सुप्रा, मस्टैंग जीटी एंड भाई कौन सी गाड़ी नहीं है ये बताओ, लेकिन कौन सी गाड़ी लेकर जाया जाए आज। तो लेट्स गो, यहाँ पर हम ये वाली चलो गाड़ियाँ पर हम गोली चला कर देखेंगे, जहाँ पर लास्ट गोली आएगी वो वाली लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर शुरू किया हमने एंड जहाँ पर गोली बंद होगी वहाँ पर मस्टैंग जीटी ले जाएंगे। भाई क्या मतलब, मैंने खुद से यहाँ पर इसको रोका है। खैर गाइस, यहाँ पर चलते इस मस्टैंग जीटी को लेकर एंड अभी आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी खतरनाक चीज जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। खैर गाइस, तो चलिए चलते यहाँ पर कुछ मिशन वगैरह। ओके आ चुका है, ब्लास्ट 20 बोट विद ट्रेन। ओके गाइस, तो अपने को ट्रेन से 20 बोट को ब्लास्ट। अबे वेट गाइस, ये मस्टैंग जीटी इतनी ज्यादा खतरनाक, मतलब घटिया बिल्ड क्वालिटी है। चलते चलते पीछे से इसका ये खुलकर निकल चुका है, पता नहीं क्या सीन है। अबे यार, ये मस्टैंग किसका मुंह देखकर निकाली भाई, टकराते जा रही है बार बार। तो गाइस मैं आपको बता दूं आज हम करने क्या वाले। तो सबसे पहला मिशन अपना 20 बोट। अबे यार भाई, ये क्या चला रहा हूँ, वेट ए सेकंड भाई, इतनी ज्यादा घटिया भाई, ये बुगाटी से टक्कर हो चुका है, अभी मेरे को पीछे लेना पड़ेगा भाई। पता नहीं ये सस्ती सस्ती गाड़ियाँ भाई, बुगाटी बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है। चलिए गाइस, तो अभी मैं आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन करता हूँ आज हम करने क्या। भाई ये क्या है, वह आगे क्या था, ऐसा पूरा टूट चुकी यार। ये मस्टैंग मेरे को समझ नहीं आता भाई, मस्टैंग मतलब इतनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, लेकिन इसके तो चारों साइड के चारों मतलब दो गेट उड़ चुके, पीछे इसके जो भी सिस्टम था वो भी निकल चुका और आगे से बोनट भी निकल चुका है, मतलब बोनट का ऊपर वाला वो जो था वो भाई रहा क्या है जब गाड़ी में सिर्फ चल रही है। खैर गाइस, मैं आपको बता दूं आज हम करने क्या वाले। तो यहाँ पर हम ट्रेन स्टेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर अपने को 20 बोट स्पॉन करनी है, 20 बोट स्पॉन कर लेंगे, उसके बाद अपने को यहाँ पर उनको ब्लास्ट करना है ट्रेन से, ट्रेन को ऊपर चढ़ा देना है तो ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये अपना पहला टास्क होगा। इसको करने के बाद अपने वहाँ पर एक सीक्रेट टाइप से वहाँ पर ये स्पॉन हो जाएगा एंड फिर हम अपने फ्री फायर के कैरेक्टर्स वगैरह देख पाएंगे। तो सबसे पहले बोट स्पॉन करना स्टार्ट हो, 3001 इसका चीट कोड है, तो लगभग 20 बोट अपने को स्पॉन करनी पड़ेगी जैसा कि मिशन में बोला गया था। तो सारी की सारी बोट को जल्दी जल्दी में स्पॉन कर दो। अभी कहाँ पर जा रही है भाई, एंड इन सबको स्पॉन करने के बाद इनसे ब्लास्ट करना होगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी ये अपना टास्क करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर 20 की 20 बोट यहाँ पर स्पॉन कर दी, देखो भाई कितनी सारी बोट है ये। एंड यहाँ पर देख ही सकते हो सारी बोट को मैंने स्पॉन कर दी, एक दो बोट तो बाहर ही आ चुके, पता नहीं इनके क्या ही अलग सीन था। खैर गाइस, अभी मैं यहाँ पर एक जेट पैक भी स्पॉन कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से सीन देखें, पूरा ड्रोन व्यू एक टाइप से देखेंगे भाई ऊपर से हो क्या रहा है यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एंटर करते इस जेट पैक के अंदर एंड उससे पहले मैं यहाँ पर ट्रेन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जाकर इंजन को फॉरवर्ड हमने कर दिया, लेट्स गो। अभी देखते हैं यहाँ पर किस टाइप से ब्लास्ट होती है एंड फिर अपना ये मिशन हो जाएगा डन। अबे एक मिनट भाई, ट्रेन तो ब्लास्ट ही नहीं हो रही भाई। अबे भाई ट्रेन क्या, सॉरी यहाँ पर बोर्ड तो ब्लास्ट भी नहीं हो रही ट्रेन से भाई, ये क्या इसके में भाई, एक तक इनके डैमेज तक नहीं पड़ा, बस ये थोड़ी सी यहाँ पर कांप रही है, बस ऐसा सीन हो रहा है, लेकिन ब्लास्ट तो हो ही नहीं रही भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा। खैर गाइस, अभी मैं खुद से ही फोड़ देता हूँ भाई, ये ट्रेन व्रेन सब कुछ धोखा है, ऐसा वहाँ पर बोल रहा है ट्रेन को इसको ब्लास्ट करना है, तो क्यों ना हम अपनी आरपीजी से यहाँ पर ये वाला कमाल कर दे भाई, उससे तो हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये भी आई थिंक काउंट होना चाहिए भाई, अभी ट्रेन से मतलब ट्रेन से ब्लास्ट होती नहीं है तो फिर हम कैसे कर दे भाई, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए अभी हम इसको इसी टाइप से ब्लास्ट करते हैं एंड ये लास्ट और बची इसको भी जल्दी से मैं ब्लास्ट कर देता हूँ एंड जल्दी हो जा भाई। अबे ये पता नहीं ये कहाँ से बीच में आ रही, अबे यार छोड़ो इस साइड की एक, अच्छा एक दो इधर भी है, तो इनको भी जल्दी जल्दी मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके ये वाला इमोजी कमेंट कर दो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। खैर गाइस, यहाँ पर ना आई थिंक हमारा चैलेंज डन हो चुका है, ऑलमोस्ट फोड़ दिए। ओ वेट, किल द प्रिजनर, नेक्स्ट टास्क अपना होना है प्रिजनर को मारना है अपने को,
प्रिजनर मीन्स आपको मैं बता दूं गाइस वो क्या चीज़ है। ओके ये वाला मतलब पहला मतलब टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये काउंट हो चुका है मतलब ये वाला। अभी नेक्स्ट जो टास्क है उसमें अपने को प्रिजनर को मारना है। एंड गाइस प्रिजनर मीन्स यहाँ पर अपना जो जेल है उसके अंदर कैदी बैठो मस्त वहाँ पर बैठा रहता उस सोफे पर, सोफा नहीं मतलब बेड पर, और वहां पर आरओ का पानी भी लगा रखा है, आरओ लगा रखा है। ओके गाइस तो आज उसका एंडिंग दिन आ चुका है भाई, पुलिस वालों ने बस उसको पकड़ कर रख रखा है यहाँ पर, लेकिन उसने जो गुनाह किया उसकी सजा नहीं मिल रही, लेकिन आज हम है ना भाई उसको सजा पक्की देंगे। और ये पुलिस वाला मस्त यहाँ पर बाहर, तो गाइस अभी हम उसको मारेंगे ना तो अपने ऊपर पुलिस भी अटैक करेगी, तो मेरे को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पर स्टाफ वगैरह इन सबके सामने मर्डर करेंगे भाई, फुल गुंडा बनेंगे यहाँ पर। लेट्स गो अंदर बैठा, 3-2-1 नहीं इसको खत्म कर देते हैं, ये लोगों को खत्म कर दिया। एंड सारे पुलिस वाला आ चुके, जल्दी जल्दी इनको मारना पड़ेगा, कोई भी बचना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी हेल्थ भी जा रही भाई। अबे मर जा प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो। ओ भाई इसके क्या हुआ ये, अबे इसका सर और इसका धड़ अलग अलग ही सीन हो चुका, ये देखो भाई क्या हो रहा है, इसका पूरे पैर कहाँ पर निकल चुके। एंड इसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी दर्दनाक मौत हुई है भाई। और छोड़ो भाई इससे पहले कि अपनी मौत भी इसी टाइप से हो, यहाँ से निकलने में फायदा है, नहीं तो अपनों भी अपने को भी इसी टाइप से मारेंगे पुलिस वाले मिलकर। कि यार गाइस ये वाला चैलेंज भी डन हुआ है फिर नहीं भाई, अभी तक कोई भी मेरे को नेक्स्ट मिशन नहीं शो हो रहा है, तो आई थिंक ये होना तो चाहिए भाई। मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, पहले स्टार को कम कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो भाई क्या पता मार मार दे यहाँ पर पुलिस आकर। ओके गाइस नेक्स्ट आ चुका है और डन रोल ऑन विद बाइक। अच्छा गाइस तो ये भी अभी जल्दी से हम कर लेते हैं, सबसे पहले मैं बाइक को यहाँ पर मैंने स्पॉन कर दिया था, नीचे कूदा थी एंड रोल ऑन। तो गाइस आप जो सामने जो देख रहे हो वो यहाँ पर घूम रहा है, इसको इसका एक चीट कोड आरजेस्ट टूल के अंदर जाकर आपको RROLLON रोल ऑन अगर टाइप करते तो ये घूमने लग जाता है, यानी कि अभी इसको अपने को बाइक से डन करना है। डन कैसे करेंगे, अगर इस पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम अपनी टक्कर मारकर नीचे जा सकते, मतलब यहाँ पर टक्कर लगती है तो हम बाइक से नीचे गिर जाते और मर जाते। लेकिन के सभी इसको बिना टकराए अपने को तीन यहाँ पर ऑप्शन मतलब तीन चांस मिलेंगे, तीन चांस में अगर कर लेते तो डन, नहीं तो अपना पूरा ये वाला टास्क हम नहीं कर पाएंगे, यानी ये वाला मिशन अपने लिए नहीं होगा और फिर हम फ्री फायर में नहीं जा पाएंगे। वेल यहाँ पर पहला मैंने स्टार्ट कर दिया, प्लीज़ भाई पहले में टास्क में भाई यही तो बोल रहा भाई कितनी ज़्यादा दूर जाकर गिरा थे, देख सकते इतनी ज़्यादा पावर इसके अंदर। लेट्स गो नेक्स्ट ट्राई एंड आई होप इसमें मैं कर पाऊँ, टोटल तीन चांस ही मिलने वाले भाई, प्लीज़ अच्छे से कर पाऊँ, मतलब नीचे मरना नहीं अपने को, टक्कर लग जाए तो कोई बात नहीं। अबे यार ये क्या सीन है भाई, ये तो गलत ही सीन है भाई, शिट। और कहाँ तक जा रहा है भाई, देखो कहाँ तक उड़कर जा रहा है भाई, कितने ज़्यादा पावर से टक्कर लगे उसने, देखो भाई मरना तो कन्फर्म है लेकिन कितनी ज़्यादा दूर से मरे भाई, खतरनाक है भाई ये। भाई फिर से इसको भी रिस्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस नेक्स्ट अपना लास्ट ट्रायल है भाई, इस बार मैंने कर दिया था, आपको वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मेरा भी यहाँ पर काम डन हो जाओ प्लीज़ प्लीज़ हो जाना भाई। लेट्स गो यहाँ पर जंप धीरे धीरे लगा रहा हूँ, इस बार मैं जंप एंड आई होप ओके अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं गया भाई, बाइक के ऊपर ही हूँ, तो बाइक से अगर यहाँ पर नीचे उतर जाता तो फिर ये चैलेंज अपना मतलब ख़त्म हो जाता, लेकिन मरना नहीं, अगर नीचे गिरूँ तो भी मरना नहीं है तो ही ये कन्फर्म होगा। ओके हम गिर तो चुके लेकिन 1% हेल्थ गई अपनी, यानी कि ये हो चुका है डन भाई। आखिरकार तीन ट्रायल उन्होंने पहले इसी टाइप से दिए, यानी तीन से तो होगा ही नहीं। लेट्स गो नेक्स्ट कंप्लीट ज़ोंबी मोड। ऑल राइट तो अभी अपने को ज़ोंबी मोड को कंप्लीट करना है। ज़ोंबी मोड मीन्स अपने को सबसे पहले यहाँ से बेग जाना पड़ेगा, चैलेंजेस के अंदर काफ़ी सारे मोड मिलते हैं, उनमें से ज़ोंबी मोड भी एक है, तो इसको आज अपने को कंप्लीट करना है। यानी भाई इसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा क्योंकि वह ज़ोंबीज इतनी सारी तादाद में लगभग 100 ज़ोंबीज वर्सेस 1 हम होने वाले भाई, वो होता है ना यहाँ पर फ्री फायर के अंदर सोलो वर्सेस स्क्वाड उस टाइप का सीन होने वाला है। तो खैर गाइस चलते हैं यहाँ पर जल्दी से, एंड मैं अभी जल्दी से जाता हूँ अपने वहाँ पर। ओके गाइस तो अभी ना यहाँ पर इतने सारे देख सकते हो ज़ोंबीज हैं, यानी सबको एक एक करके मेरे को मारना पड़ेगा भाई, सारे अपने पास में आ रहे भाई, शीट अभी मेरे को जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा एंड एक एक को करके पेलता हूँ भाई, 4-5 तो इतने तादाद में यहाँ पर आ चुके भाई। वेट ए सेकंड भाई, एक RPG से कितने मरेंगे, ये सारे मर जाएंगे। ओ भाई एक RPG से 3 मरे, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही है भाई, वो देखो वहाँ पर पूरा मेला लग रखा है एक टाइप से, आप देख सो इतने सारे ज़ोंबीज को मारना वो भी RPG से, इट्स नॉट ए जोक। लेकिन बस हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है भाई, मैं आपको बता दूँ क्या ब्रह्मास्त्र है, तो आपको यहाँ पर जाना है, आपको जस्ट गोस्ट राइडर बाइक स्पॉन कर लेनी, ये शायद आपको ट्रिक पता हो, आप अगर अपने चैनल को ओल्ड से फॉलो करो तो आपको पता होगा। तो ये देखो भाई जादू इसे बोलते भाई, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने की क्या जरूरत भाई, जब ऑटोमेटिक खुद आकर मर, अबे नहीं
अबे भाई ये क्या गलत सीन, भाई ये गलत सीन है, शिट उठ जा भाई। अबे ये चल भी नहीं रहा भाई यार, शिट। अबे भाई मेरे खेलते देखो भाई, रेड जोन में था भाई, भाग ले जल्दी। ओके भाई बच्चों को भाई लिटरली एक अबे पिद्दी से भाई, मेरे को लगा मस्त मर जाएंगे, लेकिन अपने को गाड़ी से नीचे गिरा दिया इन लोगों ने भाई, खतरनाक है भाई, इनको हल्के में नहीं लेना। एंड गाइस वहाँ पर दो चार और वहाँ पर भी है, तो उनको भी जल्दी जल्दी मैं फिनिश कर देता हूँ, एंड फिर जो अपना काम हो जाएगा डन, फिर तो मस्त मजे ही मजे। लेट्स गो, इसको मारते पहले। तू मर भाई, तू कहाँ भाई, क्या चकमा दे रहा है बंदा भाई, रुको इसको तो यहीं पर आकर मारेंगे। ले बेटा भाई कहाँ पर गिर कर गया वो। खैर गाइस यहाँ पर बच्चे हुए जो इनके पास में गाड़ी लेकर जाता हूँ, तो फिर तो ये इजीली मर ही जाएंगे, मतलब गोलियाँ वोलियाँ चलाने की जरूरत ही कहीं पिद्दियों के ऊपर, बस खुद आकर मरेंगे। ये देखो भाई खुद आकर मरे मस्त इजीली, लगभग 100 ज़ॉम्बीज़ को हमने लगभग एक मिनट में मार दिया होगा, आई थिंक एक या दो मिनट में, वो भी इस बाइक की हेल्प से। भाई बाइक ओपी कमेंट कर दो भाई, गोस्ट राइडर बाइक ओपी स्पैम कर दो कमेंट्स, इसकी इज्जत बढ़नी चाहिए आज भाई, इसने अपने को बचाया, मिशन कंप्लीट करवाया। खैर गाइस अभी आई थिंक तीनों चैलेंजेस अपने डन हो चुके, अभी तो कोई बाकी नहीं है भाई। अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वो कुछ एक टाइप से आइलैंड टाइप का थे, एक उस टाइप का, उस साइड अपने को आइलैंड मिलता है, उस साइड अपने को जाना है। एंड लेट्स सी गाइस अपने को मिलता है या फिर नहीं। खैर गाइस आपने फ्री फायर खेला या फिर नहीं, मैंने गाइस पर्सनली खेला है, और मेरी 56-57 लेवल की आईडी भी थी, जो कि अभी भी है थी नहीं, लेकिन अभी खेलता हूँ नहीं भाई, अभी मतलब वो पहले वाला मज़ा नहीं, लॉकडाउन के टाइम पर ही मस्त मज़े थे। आप में से कौन कौन फ्री फायर खेलता है कॉमन मेरे को जोर से बताना, यस नो में, यस में खेलता हूँ या फिर नहीं। अभी ये कहाँ पर गिर रहा हूँ भाई, शिट। एंड गाइस द वेट इज ओवर, ये देखो भाई यहाँ पर पूरा आइलैंड है, उसके ऊपर क्लॉक टावर, ये भाई खतरनाक है भाई। एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये है आलोक कैरेक्टर, इसके लिए किसने भीख मांगी है कमेंट में आकर अभी मत मांगने लग जाओ ना, प्लीज़ भाई आलोक दे दो, आलोक गिफ्ट कर दो, ऐसा मैं नहीं दूंगा भाई। आलोक देख सकते हो यहाँ पर बाइक भी है फ्री फायर की, ये क्या बोलते हैं इसको, कोबरा बाइक। एंड ये है क्लॉक टावर, यहाँ पर काफी सारे बंदे उतरते हैं, मेरे को पता है भाई फ्री फायर मैंने खेल रखा, कैरेक्टर तो काफी तगड़ा है भाई, इसके लिए हाइप उस टाइम पे काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी तो भाई कुछ ज्यादा हाइप नहीं है भाई, सभी यहाँ पर पे टू विन हो चुका है, पैसे दो और जीतो, इजी पीजी। खैर गाइस ये देख सकते यहाँ पर आलोक कैरेक्टर भी है। एंड गाइस यहाँ पर ना एक इसके अंदर एक और चीजें गाइस जो कि मैं अंदर जाकर देखने वाला हूँ, वो और भी ज्यादा खतरनाक है, तो वो चीज आएगी नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए 2000 लाइक कर दो और कमेंट जाकर पार्ट टू स्पैम कर दो, तो वो पार्टी जल्द ही आ जाएगा, काफी ज्यादा तगड़ा होने और इससे भी ज्यादा। ओके गाइस तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड इसका पार्ट टू जल्द ही आएगा, इस वीडियो पर 2000 लाइक कर देना तो फिर जल्द ही पार्ट टू भी आ जाएगा। एंड किसने फ्री फायर खेला कमेंट मेरे को जोर से बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।